हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचडी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास ट्वेल्थ टीएस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन, वॉल्यूम वन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। चैप्टर वन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म बाय पार्टनर एंड लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। नाउ इस सेगमेंट में या इस वीडियो में हम दोनों ही तरीके के लोन को डिस्कस करेंगे। पहला लोन वो जो पार्टनर ने फर्म को दिया है और दूसरा लोन वो जो फर्म ने पार्टनर को दिया है। तो इन पर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है या इंटरेस्ट किस तरीके से, किस सूझबूझ से हमें इंटरेस्ट लेना और देना है, वो इस टॉपिक में डिस्कस होगा। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। अखिल एंड बीमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अखिल गेव अ लोन टू द फर्म ऑफ ₹1 lakh ऑन 1st January 2024। ऑन द सेम डेट द फर्म गेव अ लोन टू बीमल ऑफ ₹1 lakh। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गोडाउन एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। Firm earned a profit of ₹1,03,000 before the above adjustments for the year ended 31st March 2024. Show the distribution of profit for the year. Now, यहाँ दो पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है और दोनों ही तरीके का लोन यहाँ है। अखिल ने फर्म को लोन दिया है और फर्म ने दूसरे पार्टनर बीमल को लोन दिया है और दोनों एक ही तारीख को दिए हैं, मतलब 1st January 2024। और अकाउंट्स क्लोज होता है 31st March 2024। सो हमें इंटरेस्ट का जो भी कैलकुलेशन करना है वो 1st January से लेकर के 31st March 2024 तक ही करना है, क्योंकि इसी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। फाइन, अकाउंटिंग पीरियड के लिए ही हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। और साथ ही अखिल ने अपनी प्रॉपर्टी को गोदाम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए फर्म को दिया है जिसका रेंट ₹5,000 पर मंथ है और ये सारे खर्चों को एडजस्ट करने से पहले का प्रॉफिट दिया हुआ है ₹1,03,000। हमें शो करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा। ये जो ₹1,03,000 है, दिस इज नॉट द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन्स जो है दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अभी तक ये इस प्रॉफिट में चार्ज नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये एक सिंपल प्रॉफिट है, इसे हम नेट प्रॉफिट नहीं मान सकते क्योंकि इसमें अभी भी कुछ एक्सपेंसेस को लेस करना बाकी है। और वो एक्सपेंसेस क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन है और रेंट है और इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड भी है। सो इन तीनों को जब एडजस्ट करेंगे तब जा करके वो नेट प्रॉफिट बनेगा, फिर वो पार्टनर्स को अप्रोप्रिएट होगा। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 10। अखिल और बीमल दो पार्टनर हैं। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अखिल ने लोन दिया है। अखिल्स लोन टू द फर्म इज ऑफ ₹1 lakh। और ये कब दिया गया है? इट इज ऑन 1st January 2024। तो हमें 1st January 2024 से 31st March 2024 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और ये इंटरेस्ट कितने मंथ्स का रहेगा? 3 मंथ्स का रहेगा। फाइन। और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन में क्या लिखा है? इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। फाइन। सो हमें इस अमाउंट पर 6% पर एनम का ही इंटरेस्ट देना है। सो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ₹1 lakh का 6%। ये तो हो गया साल भर का, लेकिन सेड ड्यूरेशन के लिए ही हमें देना है 3 मंथ्स के लिए। सो हम 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। नाउ अब इसे कैंसिल करेंगे, ये 2 times हो गया और ये 500 हो गया इधर। नाउ 500 × 3 इज इक्वल टू हाउ मच? ₹1,500। सो ₹1,500 का इंटरेस्ट फर्म अखिल को देगी क्योंकि अखिल से उसने बोरो किया था। तो ये हो गया 1,500। और एक दूसरा लोन है जो दूसरा पार्टनर बीमल को मिला है ना,
सो लोन टू लोन बाय फर्म टू पार्टनर बीमल, ये भी ₹1 लाख का है और इसे भी 1 जनवरी को ही दिया गया है। 1 जनवरी से 31 मार्च तक के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन सच टाइप ऑफ लोन इज नॉट सजेस्टेड इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में इस लोन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट लेना या देना या लेना है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी ऐसे लोन पर कोई भी इंटरेस्ट का सजेशन नहीं है। तो एज अ रिजल्ट नो इंटरेस्ट विल बी, नो इंटरेस्ट विल बी पेड बाय बीमल टू द फर्म। फर्म को बीमल कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा, और अगर फर्म को इंटरेस्ट चाहिए था तो वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए था। फाइन, तो हमें क्वेश्चन में बताना क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट बिफोर सच टाइप ऑफ इंटरेस्ट एंड रेंट इज गिवन। फाइन, प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹1,03,000। अब इसमें से हम लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे हम 1,500। और भी कुछ माइनस करेंगे, वो है रेंट। रेंट कितना है? ₹5,000 पर मंथ के हिसाब से साल भर का। देखिए, 1 जनवरी 2024 को तो लोन्स दिए और लिए गए हैं, लेकिन रेंट तो साल भर का था, इसलिए हमें उसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई करना, ना कि 3 मंथ से। और ये हो गया ₹60,000। सो हम इसे भी लेस करेंगे, ₹60,000। अब जो अमाउंट आएगा इन सबको माइनस करने से, आने वाला अमाउंट है 41,500। यही हमारा नेट प्रॉफिट है जो कि पार्टनर्स को दिया जाना है, दोनों पार्टनर को, और इनका रेशियो है 3:2। तो लेट अस सी हाउ मच विल अखिल गेट। फाइन, अखिल को कितना मिलेगा? अखिल को प्रॉफिट मिलेगा 41,500 में से 3/5, 3 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 5। सो हाउ मच विल बी द अमाउंट? सो इसे सॉल्व करेंगे, 5 को मतलब इसे कैंसिल करेंगे, 5 8 टाइम्स, देन 5 3 टाइम्स, 00। सो इट इज 8,300 मल्टीप्लाइड बाय 3, एंड द अमाउंट इज ₹24,900 अखिल को रिसीव होगा। और दूसरा पार्टनर है बीमल। बीमल को भी 41,500 में से उसका हिस्सा कितना है? 2। सो 2/5 मिलेगा। तो इसे तो हम काटने से हमें यही अमाउंट मिल रहा है, 8,300 मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड द अमाउंट इज मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16,600। सो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निर्मल एंड पवन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2023। मतलब साल के पहले ही दिन फर्म ने पार्टनर पवन को लोन दिया है। इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, और पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इस लोन पर 10% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो करना पड़ेगा। फाइन, द फर्म टुक अ लोन ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 दिसंबर 2023, और उसी साल दिसंबर के महीने में, 1 दिसंबर को दूसरे पार्टनर से फर्म को लोन मिला ₹2 लाख का। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबाव, द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, और इस वर्ष फर्म को ₹10,000 का नुकसान हुआ है, लॉस है। डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें बताना है कि वो कौन सा अमाउंट है, मतलब नेट प्रॉफिट क्या है जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया जाना है। नाउ यहाँ भी दोनों तरीके का लोन है। पहला लोन वो है जिसमें फर्म ने पवन को लोन दिया है, तो इस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म को रिसीव होगा। लेकिन जो दूसरा लोन है, इस लोन पर फर्म जो है पार्टनर को लोन लोन पर इंटरेस्ट देगी, और इस सेकंड वाले लोन पर 6% इंटरेस्ट ही दे पाएंगे, क्योंकि
क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, स्पेशल इंटरेस्ट लिखा नहीं है, तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से 6% इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म जो है वो पार्टनर को देगी। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 11, इसमें दोनों ही तरीके का लोन दिया हुआ है। फर्म हैड गिवन अ लोन, फाइन, लोन बाय फर्म टू पवन, पवन जो कि एक पार्टनर है, ऑन विच डेट, ऑन 1 अप्रैल 2023। तो हमें इंटरेस्ट 31 मार्च 2024 तक का साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और ये लोन का अमाउंट है ₹5 लाख, फाइन। लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि ऐसे लोन पर 10% इंटरेस्ट हमें देना है, तो 10% देंगे। अगर ये इंटरेस्ट नहीं लिखा होता तो कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं थी, फाइन। सो लोन बाय फर्म टू पवन, सो पवन जो है वो ₹50,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को चुकाएगा, फाइन। और दूसरा भी एक लोन है, फर्म टुक अ लोन, फर्म टुक अ लोन फ्रॉम निर्मल ऑन 1 दिसंबर 2023। सो इंटरेस्ट हमको कहाँ तक देना है, 31 मार्च 2024 तक देना है, मतलब 4 मंथ्स के लिए यहाँ देना है। और लोन का अमाउंट कितना है, ₹2 लाख। और पार्टनरशिप डीड में इस लोन पर कितना इंटरेस्ट देना है ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रोविजन्स ऑफ पार्टनरशिप में लिखा हुआ है 6%। सो कंपल्सरीली हमें 6% देना है इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन इन द पार्टनरशिप डीड। लेकिन कितने मंथ्स के लिए देंगे हम, 1 दिसंबर से 31 मार्च तक, दैट इज 4 मंथ्स के लिए। सो 4 बाई 12। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस, 00 को काट दीजिए और यहाँ 4 3 times 3 2 times, इट इज 2000 multiplied by 2, इट इज ₹4,000। सो प्रॉफिट या लॉस हमको कितना दिया है क्वेश्चन में, लॉस बिफोर दीज टू इंटरेस्ट इज गिवन टू अस एंड दैट इज ऑफ ₹10,000, क्योंकि ये लॉस है इसलिए हम माइनस फिगर में इसे शो कर रहे हैं। और ये तो रिसीव करेगी फर्म ₹50,000, सो प्लस करेंगे हम, प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्लस कीजिए ₹50,000। और ये जो लोन है इस पर फर्म देगी, तो लेस करेंगे इंटरेस्ट ड्यू, फाइन, तो ये माइनस होगा ₹4,000। अब जो अमाउंट आएगा इसे आप प्लस माइनस करेंगे तो आएगा ₹36,000। दिस 36,000 इज द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर, फाइन। ये नेट प्रॉफिट है, इसे ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को। कौन है पार्टनर्स, निर्मल एंड पवन, और इनका रेशियो है 3:2। सो पवन विल गेट हाउ मच, लेट अस कैलकुलेट। पवन इसी 36,000, ये तो प्रॉफिट हो गया, हालांकि लॉस से शुरू हुआ था लेकिन कहां पहुंच गए हम, प्रॉफिट में पहुंच गए। 36,000 × 3 / 3+2 = 5, सो इसे कैंसिल करेंगे यहां, 5 7 = 35 एंड 5 2 = 10 एंड 00 × 3 एंड द अमाउंट इज 21,600 पवन को मिलेगा। और दूसरा पार्टनर है, ये तो फर्स्ट पार्टनर कौन है, निर्मल है, दिस इज निर्मल एंड नाउ पवन। पवन को भी 36,000 में से 2/5 मिलेगा, यहां भी 7,200 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे 14,400। सो दिस इज द अमाउंट विच पार्टनर्स विल गेट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12। अंकित भानु एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विथ कैपिटल्स ऑफ ₹2,50,000 ईच। ऑन 1 अक्टूबर 2023 अंकित एंड भानु गेव लोन्स ऑफ ₹2,50,000 ईच टू द फर्म, वेरस चारू टुक अ लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन 1 नवंबर 2023।
अब यहाँ दो पार्टनर्स ने तो फर्म को लोन दिया है 2,50,000 ईच का, जिस पर 6% इंटरेस्ट प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट कहता है। और जो दूसरा लोन है जो फर्म ने दिया है पार्टनर चारू को, वो 1 नवंबर को दिया है 1,00,000 रुपीज़ का। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि ऐसे लोन पर, मतलब जो फर्म ने चारू को दिया है, पार्टनर को दिया है, उस पर 6% इंटरेस्ट फर्म लेगी, तो हम वो करना पड़ेगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाज पेड ऑन 10th of April 2024। अब ये पैसे के रूप में 10th ऑफ अप्रैल को भले मिला हो, लेकिन 31st मार्च तक के लिए हम अकाउंटिंग ईयर के लिए ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ड्यू करेंगे। द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st ऑफ मार्च ईच ईयर। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड द 31st मार्च 2024। तो हमें 31st मार्च 2024 की एंट्री करना है, क्योंकि रिसीव की एंट्री 10th अप्रैल को है, तो हमें ये शो नहीं करना है, हमें सिर्फ ड्यू तक की एंट्री 31st मार्च तक का करके दिखाना है। राइट, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 12 वी विल सी, लोन बाय पार्टनर्स, और इस पर रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 6% पर एनम होना चाहिए। पार्टनर अंकित ने दिया है ₹2,50,000 का, और दूसरा पार्टनर भानु ने भी दिया है, भानु ने भी सेम अमाउंट का लोन फर्म को दिया है, और इन दोनों पर हमें 6% इंटरेस्ट पर एनम लगाना है। और ये डेट क्या है इनका, 1st अक्टूबर को है, 1st अक्टूबर 2023 से साल का आखिरी दिन फाइनेंशियल ईयर का 31st मार्च 2024, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट करना है दोनों के लिए, जो कि अमाउंट एक ही होगा। फाइन, सो इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट विल बी 2,50,000 का 6%, लेकिन 6 महीने के लिए, 6/12 करेंगे। नाउ अब कैंसिल कीजिए इसे, ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 00 काट दीजिए, 2,500 × 3 ये हो गया 7,500 रुपीज़ ईच, मतलब अंकित को भी 7,500 रुपीज़ मिलेगा और भानु को भी 7,500 रुपीज़ मिलेगा भानु। ओके, अब एक दूसरा लोन भी है, फाइन, जो चारू ने फर्म से लिया है, लोन टू पार्टनर चारू, और ये अमाउंट है, हाउ मच इज द अमाउंट, 1,00,000 रुपीज का है, और ये कब लिया गया है, ये लिया गया 1st नवंबर को, 1st नवंबर 2023 से लेकर के हमें कैलकुलेट करना है 31st मार्च 2024 तक का, मतलब 5 महीने का, हाउ मेनी मंथ्स इट इज फॉर, 5 मंथ्स। और इस पर भी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 6% इंटरेस्ट चारू देगी, तो इस तरीके से 6%, अगर नहीं लिखा होता तो कोई भी इंटरेस्ट यहां लेने की जरूरत नहीं थी। फाइन, और कितने महीने के लिए, 5 मंथ्स के लिए, तो कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल कर दीजिए, 6 × 2 = 12, 2 कट जाएगा 5 टाइम्स, सो 500 × 5 इज हाउ मच, 2,500, सो 2,500 रुपीज का इंटरेस्ट चारू फर्म को देगी। जर्नल एंट्री करेंगे मार्च 31st को। नाउ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट कर रहे हैं, मतलब ये एक्सपेंस वाला है, तो टू अंकित, अंकित्स लोन अकाउंट, एंड टू भानु, भानुज लोन अकाउंट, 7,500 ईच, मतलब 15,000 रुपीज का इंटरेस्ट फर्म पार्टनर्स को देगी, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू। अब इसी को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इस तरीके से ये क्लोज हो जाएगा, एक बार डेबिट होकर दूसरे बार क्रेडिट होकर, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड।
अब एक और भी लोन है जो चारू का है, फाइन। सो चारू से रिलेटेड जो लोन है वो मार्च 31 को हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे चारू से। रिसीव नहीं कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं। लोन टू चारू, अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइन। कितना रुपए हमने कैलकुलेट किया था? 2500 रुपीज। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, अब इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट अब डेबिट होकर क्लोज हो जाएगा और क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड, इसका भी डेट रहेगा मार्च 31। हालांकि हमें ये जो इंटरेस्ट है वो 10th of April को मिला है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इतना ही जर्नल एंट्री होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अतुल जेठा एंड तारक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। जेठा वॉज गिवन लोन बाय द फर्म ऑन 1st July 2023 ऑफ ₹6 लाख। बुक्स आर क्लोज ऑन 31st March। पास द जर्नल एंट्रीज इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। नाउ यहाँ कौन सा वाला लोन है? यहाँ एक ऐसा लोन है जो फर्म ने पार्टनर को दिया है, और पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं लिखा हुआ है तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज करने की जरूरत नहीं है। केस वन के हिसाब से वह रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट विल बी पेड बाय द पार्टनर टू द फर्म, फाइन। जेठा को कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में 10% लिखा हुआ है पर एनम, तो जेठा को 10% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और कब से देगा ये? 1st July से, मतलब 9 months का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 months का इंटरेस्ट जो है बी कंडीशन में जेठा विल पे टू द फर्म। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज। March 2024 31st। फाइन। केस ए के हिसाब से नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड। एज नो इंटरेस्ट विल बी पेड, क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना है तो केस वन के हिसाब से कोई भी जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन केस बी के हिसाब से हमें जर्नल एंट्री करना है। तो फर्म रिसीव करेगी तो ड्यू करेंगे हम इंटरेस्ट, व्हाट्स दैट, जेठा जो है वो इंटरेस्ट देगा, फाइन। क्या एंट्री होगी? जेठाज लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इसे कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जेठाज लोन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन का अमाउंट कितना है? 6 लाख का, यही कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं। और रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का, और हमें 9 months के लिए चार्ज करना है। 10% ऑफ 6 लाख इज 60,000। 60,000 का 3/4 करेंगे तो 45,000 आएगा। So it is 45,000 rupees. Being interest on loan due. अब इसे ट्रांसफर करेंगे मार्च 31 को। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट इज, क्योंकि ये ट्रांसफर की एंट्री है, डेबिटेड कहाँ ले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड, सो दिस मच इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14।
पारुल, परेश एंड राहुल आर पार्टनर्स इन द फर्म. फर्म गेव लोन टू राहुल ऑन 1 फरवरी 2024 ऑफ ₹6 लाख. फर्म ने लोन दिया है राहुल को. इंटरेस्ट वॉज एग्रीड टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. राहुल पेड इंटरेस्ट बाई चेक अप टू फरवरी 2024 ऑन 5 मार्च 2024 एंड बैलेंस वॉज पेड बाई हिम ऑन 5 अप्रैल 2024. अब 1 अप्रैल को तो लोन मिला है, सो नॉट 1 अप्रैल, 1 फरवरी को लोन मिला है. सो फरवरी एंड मार्च दो ही महीने का इंटरेस्ट यहाँ हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें से क्वेश्चन में लिखा है राहुल पेड इंटरेस्ट बाई चेक अप टू फरवरी. सो एक महीने का मतलब फरवरी महीने का तो इंटरेस्ट उसने दे दिया चेक से, लेकिन मार्च महीने का इंटरेस्ट उसने 5 अप्रैल को दिया. हमें पास जर्नल एंट्रीज करना है फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर. सो क्योंकि हमको पता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st ऑफ मार्च, सो हम 31st ऑफ मार्च को ट्रांसफर और ड्यू की एंट्री करेंगे. फाइन, सो लेट अस सी हाउ इट्स टू बी डन. नाउ सॉल्यूशन 14, हमें 2024 को एंट्री करना है मार्च 31st को. नॉट मार्च 31st, इट इज हाउ मच, 1 फरवरी को पहली एंट्री रहेगी. 1 फरवरी को क्या हो रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है फर्म को. फाइन, फर्म हैज गिवन अ लोन टू राहुल. फर्म ने राहुल को लोन दिया है, तो राहुल इंटरेस्ट पे कर रहा है. सो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन, अब लोन कितने का है, लोन 6 लाख रुपीज का है और रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%. और फरवरी को ही दिया गया है, 1 फरवरी को, और इंटरेस्ट हमें 1 मंथ का ही कैलकुलेट करना है. तो ये कितना होना चाहिए, 28 फरवरी को मिलेगा इंटरेस्ट. फाइन, 28 फरवरी को. अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 00 कट जाएगा और 6 कटा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 2 विल बी 3 टाइम्स, सो इट इज 3000. Being received interest on loan. अब मार्च 31st को इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू करेंगे. फाइन, किससे ड्यू करेंगे, पार्टनर से ड्यू करेंगे और वो है राहुल. सो इट विल बी हाउ मच, राहुल्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन. ये मार्च महीने का है, क्योंकि ये कैश में रिसीव नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ ड्यू की एंट्री कर रहे हैं. ये भी 1 मंथ का है, तो इसका भी अमाउंट 3000 ही रहेगा. बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू. नाउ अब 31st मार्च को ही इंटरेस्ट को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो मार्च 31st, क्योंकि ये इनकम है इंटरेस्ट. फाइन, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में इसे ट्रांसफर करेंगे. सो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट विल बी 6000, 2 महीने का. फाइन, 2 मंथ्स का, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Being interest transferred, अब ये जो मार्च महीने का जो इंटरेस्ट था वो फर्म को कब मिला, 5 अप्रैल को मिला. तो चलिए 5 अप्रैल की भी एंट्री कर देते हैं, April 5 की एंट्री कर देते हैं. यहां पर बैंक में मिलेगा हमें, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राहुल्स लोन 3000, being interest received. आप इसे कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज हाउ क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व. मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देखा है और अच्छे से समझा है. आई विल सजेस्ट यू टू वॉच ऑल द प्रीवियस वीडियोज टू गेट द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑन द टॉपिक.
अगर आप बीच बीच से वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि आपको कमेंट आपको कॉन्सेप्ट जो है सही तरीके से ना समझ में आए। और सारे वीडियोस देखिए, आप खुद से पढ़िए, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चैनल से पूरा का पूरा टी एस ग्रेवाल पढ़ सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट यू टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस चैनल एंड यू स्कोर गुड मार्क्स इन अकाउंटेंसी। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल। Thank you so much for watching this video.